दोस्तों आज का टॉपिक है कि हमारा जो वेइंग स्केल किसान स्केल जिसको कहते हैं 200 केजी और 100 केजी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको वेइंग स्केल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निकल जानकारी मिलती रहेंगी, और आपको जो भी दिक्कत होगी उसका सोल्यूशन देंगे आपको। तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वेइंग स्केल, जिसमें एक मल्टीपर्पज़ स्केल आती है जिसका नाम है किसान स्केल, और ये 3 तरह की साइज़ की आती है। उसमें क्या कंपैरिजन है तीनों में, क्या डिफरेंस है, जिसमें एक 200 केजी की है और एक 100 केजी की है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये 100 केजी की है, और इससे नीचे आती है 50 केजी की, मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल पहले जो है पहले आपको मैं 100 केजी की दिखा देता हूँ। अब 100 केजी और जो हमारी 200 केजी की स्केल है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले अगर फ्रंट पैनल देखें दोनों का तो सेम है, लेकिन अगर 200 केजी की स्केल की बात करें तो उसके जो डिमेंशंस हैं उनमें और जो 100 केजी की स्केल है उनके डिमेंशन। एक बात आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये मैंने जानबूझ कर चेकड प्लेट में रखी है और ये स्टील में रखी है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए ये जो किसान स्केल है, जहाँ इसे चिकन स्केल भी कहते हैं, मल्टीपर्पज़ स्केल, ये दोनों में आती है, SS में भी आती है और चेकर्ड प्लेट में भी आती है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको 200 केजी में डिज़ाइन में तैयार किया गया है और इसको 100 केजी में, और दोनों में डबल डिस्प्ले है, इसके फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी दोनों साइड इसके स्केल्स हैं। अभी जो इसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा है तो इसके ऊपर लाइट जो पड़ रही है उसको मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पेपर रख रहा हूँ, ताकि आपको पूरा व्यू भी नज़र आ जाए और पिक्चर भी क्लियर आए। ये अभी मैंने इसके ऊपर पेपर रख दिया है होल्ड करके। ये इसका प्लेटफॉर्म स्टील का है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इसका साइज़ जो है वो है 16 इंच बाय 16 इंच, पहला कंपैरिजन कर रहा हूँ। हमने 5 कंपैरिजन आपको बताने हैं 100 केजी के स्केल में और 200 केजी के स्केल में। तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और इस पे अभी मैं वेट रखता हूँ 5 केजी का। ये मैं इसकी साइड थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ये पूरा 5 केजी है और पूरा 5 केजी बता रहा है। अब मैं दूसरी स्केल 100 केजी की ऑन करता हूँ, तो क्योंकि इसका ऊपर से पेंट किया हुआ है ब्लैक तो इसकी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती, तो इस पे पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे भी मैंने 5 किलो रखा और पूरा 5 किलो आ गया। अब दोनों में जो सिमिलरिटी है, एक्यूरेसी अच्छी है, मतलब रिपीटेबिलिटी अच्छी है, एक्यूरेसी तो अलग अलग होगी, इस पर बाद में बात करेंगे। इसका प्लेटफॉर्म साइज़ जो है 200 केजी किसान स्केल का वो है 20 इंच बाय 20 इंच, ये इसका SS का है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बल्ब लगाया हुआ है तो रिफ्लेक्शन पड़ती है उसकी, तो इसलिए इसके ऊपर रेड पेपर रख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इसका जो साइज़ है वो है 20 इंच बाय 20 इंच, और इसका साइज़ है 16 इंच बाय 16 इंच। ये पहला इसका डिफरेंस है। अब हम 200 नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस जो है इसका वो है एक्यूरेसी, या स्टेप या डेविएशंस, ये 3 चीज़ें हम कह सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है, अब हमने मान लो कोई छोटी चीज़ तोड़नी है तो ये 20 ग्राम नेक्स्ट स्टेप देगी, 5 किलो के बाद 10 ग्राम नहीं बताएगी, नेक्स्ट स्टेप इसका 20 किलो होगा, सॉरी 20 ग्राम होगा।
तो अगर हम इस पे बात करें, ये हमने 5 किलो वजन रखा है इस पे, तो ये पूरा 5 किलो दिखा रही है। लेकिन अब इसकी बोतल, अगर हम इस पे बोतल रख रहे हैं, ये पूरा 20 ग्राम ही बता रही है। लेकिन अगर हमने इससे कोई छोटी चीज़ तोड़नी हो, मान लो कोई 10 ग्राम चीज़ तोड़नी है ऊपर, तो ये 5 किलो 10 ग्राम दिखा रही है। एक है ये और ये मैंने 5 किलो का वजन रखा हुआ है। अब यही वजन हम अगर इधर रखते हैं, वही चीज़ 10 ग्राम और वजन, तो ये 10 ग्राम नहीं बताएगी, 20 ग्राम बताएगी, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 20 ग्राम है। ये दोस्तों समझने की बात है कि इसका स्टेप जो है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम ऐसे चलेगा, और इसका स्टेप जो है 100 kg वाली का ये चलेगा 10 ग्राम के हिसाब से। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। पहला मैंने बताया था साइज का, 16 इंच बाय 16 इंच, इसका है 20 इंच बाय 20 इंच। इस स्केल का दूर से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे आपको वो तराजू के बारे में, वेइंग स्केल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी, और उसके कैसे यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म बैटरी बैकअप कैसे इनक्रीज़ करना है, ये सारी और वीडियोस मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो आज की हमारी कंपेरिजन चल रही 200 kg स्केल का और 100 kg का। तो पहला दो डिफरेंस बता दिया, तीसरा जो इसकी मिनिमम वेइंग स्केल कैपेसिटी है कि कम से कम हमें कितना तोलना चाहिए, तो वो है हमारा 400 ग्राम, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि मिनिमम हमें इस पे 400 ग्राम वजन जो है वो वेट करना चाहिए, और इस पे जो 100 kg की है इस पे हमें 200 ग्राम करना चाहिए। ये इसका तीसरा कंपैरिजन हो गया। अब हम बात करें कि कैपेसिटी, तो इसकी हमारी है 200 kg कैपेसिटी और इसकी हमारी है 100 kg कैपेसिटी। जो अगर नॉर्मल बात करें हम जनरल, तो ये SS में है, तो 200 kg का है, 20 इंच बाय 20 इंच, तो ये चेकर्ड प्लेट में भी मिल जाएगा, इस मटेरियल में भी मिल जाएगा। अब एक बार फिर मैं आपको 5 किलो का वजन ऊपर रख कर दिखा देता, तो इसकी रिपीटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और अब इसकी हम बैक साइड जो ग्रिल है, तो इसका जो हाइट है वो तकरीबन 13 इंच के करीब है, और साइज़ भी कम है, लेकिन जो इसकी बैक रेलिंग है वो इसकी हैवी है, और तकरीबन तकरीबन ये 16 इंच के करीब है। तो इसका जो बैक रेलिंग का भी सपोर्ट है वो उससे बड़ा, ये था डिफरेंस नंबर 4। अब लास्ट लास्ट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों का बैटरी बैकअप जो है, ग्रीन डिस्प्ले और रेड डिस्प्ले में भी ये आती है दोनों स्केल्स, 200 kg और 100 kg, तो इनका जो बैटरी बैकअप है वो तकरीबन 20 से 30 आवर्स है। अगर आपने एक बार अच्छी तरह से इसको कांटे को चार्ज कर दिया, फर्स्ट टाइम आपने 24 आवर्स के लिए इसको बिजली पे लगा देना ताकि बैटरी 100% चार्ज हो जाए, क्योंकि जब नया कांटा डालते हैं तो उसको बैटरी को बिल्कुल नया डालकर जो है देते हैं बैटरी, तो उसको फुल चार्ज करने के लिए 24 आवर लगते हैं। उसके बाद फिर आप 8 से 10 घंटे जो है कर सकते हो। और इसमें एक खास बात है कि दोनों तरफ इसके हैंडल लगे होते हैं उठाने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 50 किलो की चिकन स्केल या किसान स्केल को। जी इसका साइज 13 इंच बाय 13 इंच होता है, और इसका जो है सपोर्टिव है वो भी लगभग 10 इंच से 11 इंच होती है, और मेन बात है इसकी एक्यूरेसी। जो हमारा ये कांटा है इसकी एक्यूरेसी जो है, अगर हम 100 किलो की कैपेसिटी में रखेंगे तो 10 ग्राम, और अगर हम 50 किलो की कैपेसिटी में रखेंगे, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, नॉर्मली हम इसको 50 किलो में ही रखते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 5 ग्राम, और मिनिमम जो वज़न हम इस पे कर सकते हैं वो है 200 ग्राम, 200 ग्राम और 100।
तो यहाँ एक्यूरेसी मैटर करती है, और 10 20 30 50 किलो तक की वज़न रखना है तो फिर हम जो है इस स्केल को प्रेफर करते हैं। इसके भी साइड पे हैंडल लगे हुए हैं, और ये एसएस में भी आती है और चेकर्ड प्लेट में भी आती है, दोनों आती है। तो दोस्तों अगर हम इसका पहला कंपैरिजन एक्यूरेसी है तो इसकी 5 ग्राम, दूसरा एक्यूरेसी साइज़ की कंपैरिजन करें तो ये है 13 इंच, इससे 100 किलो का बड़ा है 16 इंच, और उससे बड़ा है 200 किलो का 20 इंच बाय 20 इंच। और फिर तीसरी बात करें कैपेसिटी की, तो ये 50 किलो होगी, 100 किलो होगी, 200 किलो होगी, और वेट इसका वेट काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन, जो नीचे 100 किलो की है और हमारी 200 किलो की स्केल है 6 वाली। तो यहाँ काउंटर स्केल भी इसे कह सकते हैं, टेबल पे ही हम रख के इसको यूज़ करते हैं, इसकी भी डबल डिस्प्ले है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्राइस में काफ़ी कम है, ये विद GST एंड स्टैम्पिंग जो है 6,500, 6,000 से 6,500 के अराउंड पड़ती है प्लस ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको कोई भी स्केल की ज़रूरत हो, और जो SS बॉडी में हमारी चिकन स्केल है या किसान स्केल है, ये इसलिए SS में प्रेफर करते हैं, या दूध का काम हो या गाड़ी में लेकर जाना हो तो इसको उठाना और रखना आसान रहता है। अगर हार्डवेयर का शॉप हो आपका, और कबाड़िए की दुकान हो, या फिर और जहाँ हार्डवेयर टाइप काम होता है, तो वहाँ हम चेकर्ड प्लेट को प्रेफर करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है, चेकर्ड प्लेट और SS का, चाहे वो कैपेसिटी 100 kg हो चाहे 200 kg हो। तो इसके अलावा इसकी पावर कोर्ड की बात करते हैं, तो ये इसकी पावर कोर्ड है, और इसके बिल्कुल सामने यहाँ ये बनी हुई है जगह, ये इसकी मैंने लाइट ऑफ ऑन कर दी है, तो ये इसका स्विच है, यहाँ से ऑफ यहाँ से ऑन। तो दोस्तों ये हमारी जो वेइंग स्केल्स हैं, मल्टीपर्पस है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। दूर से मैं थोड़ा आपको व्यू दिखा देता हूँ। और अब हमारा लास्ट फिफ्थ जो है वो है इसका लोड सेल, मतलब जिस पे ये बना होता है सेंसर, वो इसमें 100 kg वाले में लगा होता है हमारा 200 kg का लोड सेल, और जो वेइंग स्केल है 200 kg उसमें लगा होता है हमारा 300 किलो का लोड सेल। तो ये था डिफरेंस नंबर 5। ये हैवी ड्यूटी होता है, मल्टीपर्पस, और अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ हमारा 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक क्वांटिटी का वेट करना होता है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं 100 kg का स्केल। और दूसरा, अगर कम स्पेस एरिया कवर करता है और इसका जो साइज़ बड़ा होता है, तो जहाँ हमें 70 80 किलो की बोरी, या कोई अनाज, कोई गेहूं, इस तरह की प्याज इंडस्ट्रीज़, वेजिटेबल्स का वजन करना होता है, फिर हम 200 kg का जो स्केल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा? कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर इसकी रेट की बात करें तो जो हमारा 200 kg का स्केल है, विद पासिंग विद बिल पड़ता है 9,000 का, 1 साल की वारंटी इसकी। और जो है हमारा चिकन स्केल चेकर्ड प्लेट में या फिर SS प्लेट में 100 kg का, ये पड़ता है 7,200 का इंक्लूडिंग GST एंड स्टैम्पिंग। तो दोस्तों एक ख़ास बात बता दूँ, जब भी आप कांटा लिया करो, बिल और स्टैम्पिंग साथ में जरूर लिया करो, इससे आपका जो है, आपको किसी तरह की घबराने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, नया कंपैरिजन लेके, नई जानकारी लेकर विंग स्केल के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका जो है बहुत बहुत स्वागत, और साथ में हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।